हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ कैसे प्रयोग करते हैं ये और शब्द में पहचानोगे कैसे कि उपसर्ग क्या दे रखा है और प्रत्यय क्या दे रखा है। पहले तो ये समझ लो, उपसर्ग को जो है हम शब्द के पहले लगाते हैं, ठीक है, मूल शब्द के पहले लगाते हैं, और जो प्रत्यय होता है उसे हम शब्द के बाद में लगाते हैं, और दोनों ही उसका मीनिंग में विशेषता ले आते हैं, ठीक है। इसके मैंने प्रत्यय की एक अलग से वीडियो बना रखी है और उपसर्ग की भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से भी उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कैसे दोनों चीज़ों को अलग करूँगी, ठीक है। शब्द क्या दे रखा, अमानवीयता। अमानवीय में तुम्हें जैसे मैंने बताया कि शब्द के शुरू में जो लगता हो तो उपसर्ग होता है, इसमें अ हो गया, ठीक है, आ क्या हो गया, उपसर्ग, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो, मानवीय, मानवीय हो गया इसका मूल शब्द, मानवीय, ठीक है, और प्रत्यय लास्ट में लगता है, लास्ट में क्या है, ता, तो ये हो गया इसका, ऐसे मैं प्लस लगा दूँगा, ठीक है, समझ में आया तुम्हें। देखो, अ अमानवीयता पढ़ो, अ तो हो गया तुम्हारा उपसर्ग, मानवीय हो गया तुम्हारा मूल शब्द, और ता क्या हो गया, प्रत्यय। अब इसमें देखो बेकारी दे रखा है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, बे, उपसर्ग हो गया बे, और यहाँ पर क्या हो गया, कार, ठीक है, बे कार, और इसमें जो तुम्हारा प्रत्यय है वो क्या है, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा लगाई ना इसमें, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रत्यय। ईमानदारी में देखो, ईमानदारी में जो है क्या लिखोगे, ई तुम्हारा जो है वो उपसर्ग है, ई, और बीच में क्या है, मान, मान, ठीक है, और लास्ट में क्या है, दारी, तो दारी तुम्हारा प्रत्यय हो गया, ठीक है। निर्दयता में देखो, निर जो है वो उपसर्ग है, निर, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखो ये रेफ लगा रखा है, रेफ जब भी लगेगा तो रॉ लेटर जो हाफ होगा, इस पर भी मेरी वीडियो है, आप उसमें चेक करो तो आपको रह के विभिन्न रूप के नाम से वो निर हमने इसको लिख दिया, और यहाँ पर लिखेंगे दय, ठीक है, और इसमें तुम्हारा प्रत्यय क्या है, ता, तो निर्दयता हो गया, ठीक है। अनुदारता, अनुदारता में जो है यहाँ पर जो तुम्हारा होगा ये अन, इसमें जो उपसर्ग है वो अन, तुम कहोगे यहाँ तो अनु लिख रखा, हाँ भाई, तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो उदार है और जो हमारा प्रत्यय है वो है ता, ठीक है, तो ये हो गया अनुदारता, ठीक है। बद चलनी में जो तुम्हारा उपसर्ग है वो है बद, क्या है, बद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे चलन, कहते हैं ना उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और यहाँ पे किसकी मात्रा लगी, बड़ी की, तो ये हो गया यहाँ पे बड़ी ई तुम्हारा प्रत्यय हो गया, तो ये हो गया बद चलनी। परिपूर्णता में देखो, परी जो है वो है तुम्हारा उपसर्ग, और इसमें जो मूल शब्द है वो है पूर्ण और येड़ा है, ठीक है, और तुम्हारा जो प्रत्यय है वो क्या है, ता, ठीक। अपमानित में जो तुम्हारा ये है उपसर्ग वो है अप, अप, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मान, मूल शब्द क्या है, मान, और फिर इसमें हमने क्या लगा दिया, इत प्रत्यय जोड़ दिया, इत, देखो छोटी की मात्रा लगी है ना के ऊपर, तो इत इसमें प्रत्यय हो गया, ठीक है। स्वाभाविक में देखो, स्वय जो है वो आपका हो गया उपसर्ग, जैसे कि बोला कि शब्द के हम शुरू में ही क्या लिख देते हैं, उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मूल शब्द क्या है, भाव, स्वभाव, अब देखो इसमें छोटी की मात्रा है तो इक क्या हो गया, इक, तुम्हारा प्रत्यय क्या हो गया, इक, ठीक है, स्वभाव, इक। अब देखो यहाँ पे दे रखा अभिमानी, तो अभिमानी में क्या होगा, अभी तो हो जाएगा तुम्हारा उपसर्ग, अभी उपसर्ग है, ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हारा मूल शब्द हो जाएगा मान, अभिमानी। अब ना पे देखो बड़ी की मात्रा है तो प्रत्यय तुम्हारा क्या होगा, बड़ी ई होगा, ठीक है। निलंबित में देखो, निलंबित में जो तुम्हारा उपसर्ग है वो है नी, और मूल शब्द क्या है, लंब, लंब, ठीक है, पोल को बोलते हैं, प्लस अब तुम्हारा जो छोटी की मात्रा लग रही बाप है तो ये हो गया ई और त, इत तुम्हारा हो गया प्रत्यय, ठीक है। बेवफाई में जो तुम्हारा उपसर्ग होगा वो होगा बे, ठीक है, अब इसमें जो मूल शब्द है वो है वफा, वफा से बना है, ठीक है, बे वफा, और प्रत्यय क्या हो गया, बड़ी ई, बेवफाई। बेहोशी में देखो, जो तुम्हारा उपसर्ग है वो बे है, बे, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, होश, मूल शब्द क्या हो जाएगा, होश, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग रही है तो प्रत्यय क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है। स्वदेशी में तुम्हारा जो उपसर्ग है वह स्व, ठीक है, स्व, और मूल शब्द क्या है, देश, देश, ठीक, और प्रत्यय क्या है, बड़ी की मात्रा,
तो ये हो गया स्वदेशी। और देखो इधर यहाँ लिखा अनजानी, अनजानी में जो है तुम्हारा उपसर्ग होगा अन, ठीक है, अन तो हो गया उपसर्ग, मूल शब्द क्या हो गया जान, ठीक है, और बाद में किसकी बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई तुम्हारा प्रत्यय हो गया। हम दर्दी में तुम्हारा उपसर्ग तो हम है और मूल शब्द है दर्द और बड़ी की मात्रा लग रही है तो यहाँ पर बड़ी ई तुम्हारा प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो तुम बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि मूल शब्द क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा। अब देखो तुम्हें एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे मूल शब्द क्या है, मानवीय, मानवीय मतलब जो मानवता के लिए हो, अमानवीय जो क्रूरल हो, बहुत ज़्यादा क्रूरता भरा हो, अमानवीयता ये तुम्हारी भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। तो तीनों से हमारे जो मीनिंग अलग अलग निकल जाते हैं और हमारे जो है विशेषता भी इसमें आ जाती है शब्द में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर।